राजीव का, आपकी यूट्यूब पेमेंट कितनी है जी का, कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं। अंकित भाई से आपका क्या रिश्ता है, अंकित भाई की लव स्टोरी क्या है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनी नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ऑफिशियल सोनी में। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पावा ब्लॉग से। मैं सबसे पहले जब भी अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ अपना इंट्रोडक्शन करवा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग, आज ये ब्लॉग नहीं है, आज एक Q&A वीडियो है, यानी कि आप लोगों के सवाल पूछे गए थे मुझसे, मैं आज उन्हीं सवालों का जवाब आप लोगों के सामने दे रही हूँ। कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन थे, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो कल सुबह मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन यही था सलोनी जी का कि अंकित भाई से आपका क्या रिश्ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उस सवाल का जवाब भी बता देती हूँ। अंकित भाई से कोई मतलब वैसा रिश्ता तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का रिश्ता है। सबसे पहले तो उनसे फेसबुक पे, यानी कि फेसबुक पेज से स्टार्ट हुई मैं उनके साथ। तब मैंने यूट्यूब में देखा उनको, और उस समय उनके 20,000 कुछ सब्सक्राइबर थे। तब से मैं उनकी वीडियो देखती थी और काफ़ी मतलब अच्छे लगते थे उनके वीडियो। साथ में मैंने इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो किया और उनको मैसेज किया, उसी के थ्रू मेरी बात हुई और काफ़ी टाइम से हमारी बात होती थी। लेकिन बीच में वो नेपाल गए और सगाई करके आए, उसके बाद मैं उनके गांव गई थी, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो तभी से एक YouTube फैमिली और साथ ही साथ एक मतलब मित्र समझो, है ना, एक YouTube फैमिली के थ्रू उन्होंने मुझे वहां पे इनवाइट किया था। वैसे आप लोगों के आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर आए थे, लेकिन आपने इसलिए पूछा मुझे क्योंकि मैं एक लेडीज़ थी। तो इस वजह से आप लोगों के मन में सवाल उठे होंगे कि आपका क्या रिश्ता था। तो बस यही बताने वाली थी, मैं भी एक YouTube फैमिली हूँ और साथ ही साथ एक अच्छे मित्र भी, है ना, YouTube फैमिली से जुड़े मतलब, है ना। और अगला क्वेश्चन ये भी है कि अंकित के फैमिली में कौन कौन रहते हैं, तो उनकी फैमिली में यानी कि वो कितने भाई बहन हैं। तो उनके वो दो भाई हैं, दो भाई और मम्मी पापा, और वो छोटे भाई की शादी हो रखी है, उसकी पहले हो गई थी क्योंकि उनकी लव मैरिज थी, और मतलब उनकी अब हुई है ना, तो छोटे भाई की पहले हो गई थी और उन्होंने भी अपनी पसंद की शादी की, और साथ में आपको तो पता ही है अंकित ने भी अपनी पसंद की शादी की। और अगला क्वेश्चन ये भी था कि अंकित की सगी बहन सोनी है क्या, लेकिन मैंने उस समय एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छी चली, थैंक यू सो मच उसके लिए, आप सभी के लिए, आपने इतना अच्छा प्यार सपोर्ट दिखाया उस वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था कि अंकित की बहन सोनी है ना। तो सोनी तो उसकी मौसी की लड़की थी, वो उनके साथ रहती थी, तो काफ़ी अच्छा मतलब प्यार था, तो इस वजह से वो अंकित को भाई और अंकित की माँ को माँ कहती थी और पिताजी को पापा जी, है ना। तो तभी लोगों को ऐसा लगा कि अपनी बहन है, या कुछ डाउट था। काफ़ी लोग भी कह रहे थे कि शादी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे थे उनके लिए। तभी मैंने वो वीडियो बनाई थी क्योंकि वो मेरे सामने थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं तो उसको वीडियो में लाना बहुत ज़रूरी था। वो उनकी अपनी सगी बहन नहीं थी, वो उनके मौसी की लड़की थी जो उनके साथ रहती थी, लेकिन अभी वर्तमान में वो जॉब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पहाड़ी बुला, पहाड़ी बुला मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने तभी तो मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा ब्लॉग की स्टार्टिंग करने में अपना इंट्रोडक्शन करवा लेती हूँ कि मैं उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के पावा ब्लॉग से बिलोंग करती हूँ। साथ ही मेरा मायका है सुंदरियो और ससुराल है मेरा बालव्यू, बालव्यू यानी कि चंपेश्वर, पोस्ट ऑफिस चंपेश्वर है हमारा, और वहीं बालव्यू गाँव है, वहीं से मेरा ससुराल है ना। तो अब आप लोगों के ये क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है प्रिंस का, अंकित भाई की लव स्टोरी क्या है। काफ़ी लोगों के मन में यही सवाल है, काफ़ी लोग ये मुझे पर्सनली भी पूछ रहे थे, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि यार कहाँ से मतलब उनकी लव स्टोरी, यानी कि कहाँ से उन्होंने पसंद किया, क्या किया। देखो, पहली बात मैं अपने ब्लॉग के माध्यम, अपने वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ,
कि लव स्टोरी तो मैं नहीं सुना सकती, क्योंकि लव स्टोरी हो सकता है वही बना ले और उन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और इसी इसका जवाब वो खुद ही देंगे आप लोगों को। चौथा सवाल पूछा है, ये सवाल नहीं है, ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन मंजू नेगी जी ने पूछा है, गढ़वाली कल्चर प्रमोट करते रहें और बहुत सुंदर तरक्की करते रहो सोनी बुली। थैंक यू सो मच मंजू नेगी दीदी जी का कि वो इतने अच्छे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमें, और आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। पांचवा सवाल पूछा है अंकुश ने, आप अंकित भाई की बारात में क्यों नहीं गई नेपाल? तो पहले तो मैं बता देती हूँ आपको, बारात नेपाल नहीं गई, हिमाचल गई, शिमला। तो मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने उस समय व्लॉग में भी बता दिया था कि एक लेडीज़ का ऐसा हो जाता है, मेरे घर में बच्चे लोग छोड़ रखे थे मैंने, और मेरा टीनू, इसका नाम टीनू है और ये मैंने पाल रखा है ना, और एक हमारी फैमिली का सदस्य है ये भी। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे घर में बच्चे छोड़ रखे थे, और इस वजह से जिस दिन बारात गई मैं उस दिन घर आ गई थी। आपने व्लॉग के माध्यम से देख लिया होगा, मैंने उस समय भी बता दिया था कि एक मतलब एक महिला का हर किसी फील्ड में काम करना बहुत ज़्यादा टफ है, घर गृहस्थी भी देखनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो इस वजह से बच्चे लोग भी छोड़ के थे मैंने घर पे, तो इस वजह से मैं जिस दिन बारात वहाँ हिमाचल गई उस दिन मैं अपने घर आ गई थी। तो इसी रीजन से कि बच्चे छोड़ के थे मैंने घर पे, सब काम देखने पड़ते हैं, मैं वहाँ बारात में शामिल भी हो गए थे, मस्त मज़े कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा मज़े किए और कैमरे के आगे कम, है ना। छठवां क्वेश्चन है जमुना दास जी का कि विपना के नेपाल के माता पिता शादी में क्यों नहीं आए, है ना। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, और काफ़ी बार मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो पहली बात मैंने बता दिया था अभी आप लोगों को कि मैं बारात में नहीं गई थी, नहीं तो मैंने पूछना था इधर उधर से। और दूसरी बात यह है कि हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है, क्या पता उनके घर में कुछ काम वगैरह रहा होगा नेपाल से इधर आने के लिए, तो ये सवाल का जवाब भी मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे खुद ही पता नहीं है ना, तो मैं गलत भी नहीं बोल सकती किसी के लिए, तो इस वजह से। और होता है यार कभी कभी कि मतलब घर गृहस्थी में उनके, मैंने जब उस समय वीडियो में देखी थी बकरियां वगैरह सारी चीज़ रखी है उन्होंने, तो इस वजह से क्या पता उनका काम रहा होगा तो तभी नहीं आ पाए होंगे, मुझे भी नहीं पता इस खास, मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रही ना, क्योंकि हमें घर गाँव में होता ही ऐसा है कि बस होता है कि मतलब अगर गाय बच्ची पाल रखी है तो किसी के पास दूध निकालने नहीं देती है, होता है ना कभी कभी, तो इस वजह से किसी की मजबूरियाँ हो जाती है। मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ ना कि किसी की मजबूरी होगी तभी नहीं आए होंगे, इस सवाल का जवाब मुझे भी ठीक से पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है संजय जी का कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं, आप डेली व्लॉग बनाए करो। तो पहले तो मैं, काफ़ी लोग आजकल मुझे बहुत डिमांड कर रहे हैं कि आप डेली व्लॉग बनाइए, डेली व्लॉग बनाइए, तो मैं सोचती हूँ, मेरा मानना यह है कि रोज़ रोज़ का खाना पीना ये चीज़ें क्या दिखाना है बार बार, कि अपना घर का डेली काम होता है जो बच्चे स्कूल तैयार वगैरह जो भी होता है, तो मुझे सही नहीं लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग आप लोगों को दूँ, और जी मैं डेली व्लॉग तो नहीं दे सकती हूँ लेकिन एक दो दिन के अंदर अंदर दे दूँगी, डेली व्लॉग मेरे लिए टफ हो जाता है इस वजह से, पर कोशिश करूँगी ना क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही है तो मैं कोशिश करूँगी। अगला क्वेश्चन है विशाल जी का, आपके पति क्या करते हैं? तो फिलहाल तो मेरे पति, आपको पता ही है घर गाँव में यही होता है, दिहाड़ी मजदूरी वही करते हैं वो, अपनी दिहाड़ी मजदूरी, और उसी से हमारा गुजारा चलता है, और मतलब लगा लो तुम हम गरीब फैमिली से हैं ना, तो इसी वजह से तो वही है हमारा काम। संजय रावत ने सवाल पूछा है कि दीदी आप हमारे गांव कब आओगे? तो पहले तो आपने अपने गांव का नाम लिखना था, तब जाके बोलना था आपने कि हमारे गांव कब आ रहे हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं है आप किस गांव से हैं, तो पहले अपने गांव का नाम बताना, उसके बाद मैं बोलूँगी कि आपका गाँव आना है या नहीं, कब आना है, क्या आना है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कविता गुसाइन जी ने कि आपके में, आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब में आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं? तो इसका जवाब भी आप लोगों को मिलने वाला है। मेरी फैमिली मैं मेरे पति, बच्चे, मेरी दीदी की लड़की, साथ में उनके लड़का और मेरा बेटा, यानी कि तीन बच्चे और एक साथ में डॉगी है हमारा, मतलब छः और के हम टोटल, है ना। तो मेरी डॉगी का नाम है टीनू, उसको हम प्यार से टीनू कह के पुकारते हैं, और मेरे पति हैं, मैं हैं, और मेरी दीदी की लड़की को कम से कम 5 साल हो गया है मेरे साथ,
चार में आई थी वो, तो अभी वो 9th क्लास में है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 9th क्लास में है वो। और दीदी का लड़का भी है वो, उसको 3-4 महीने हो गए हैं मेरे घर पे, तो पढ़ने के लिए आ रखे हैं। लेकिन मैं हमेशा अपनी दीदी के बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। वैसे अपने क्या है, पराए क्या है, लेकिन मैं हमेशा अपनी दीदी की, दो लड़कियां दीदी के पास भी हैं, लेकिन मैं उनको भी अपने बच्चे की तरह मानती हूँ और उनको भी अपने बच्चों की तरह दर्जा देती हूँ। तो इसीलिए हम 5 मेंबर हैं, साथ में हमारा एक डॉगी भी है जिसका नाम है टीनू। तो आप लोगों के ये क्वेश्चन भी मिल चुके होंगे, क्योंकि मैं फैमिली के ब्लॉग बहुत कम बनाती हूँ, इस वजह से लोगों के यही सवाल पूछे रहते हैं। वैसे तो काफ़ी सवाल पूछे थे, लेकिन मैं कुछ कुछ सवालों के जवाब दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है राजीव का, आपकी यूट्यूब पेमेंट कितनी है? तो सभी का मन में यही सवाल रहता है, जो भी लोग यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, सभी का यही मन में सवाल रहता है कि इनको यूट्यूब पेमेंट कितनी मिलती है। तो फिलहाल तो अभी हम बहुत ही नीचे हैं, नीचे बोले तो अभी मिट्टी में माटा मपुड़े सा, अभी तो इतनी पेमेंट नहीं आती है। वैसे आई थी हमारी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, मतलब यही लगा लो हमारा तो घूमना फिरना हो जाता है सब बराबर, लेकिन जिनके बड़े बड़े चैनल रहते हैं उनकी काफ़ी आ जाती है, लेकिन हमारी तो अभी चैनल भी छोटा है, तो इस वजह से मुश्किल है इतना ना, मतलब नहीं आती है, कम बिल्कुल 0 पॉइंट। क्वेश्चन है भारती चौहान जी का, आपकी आपकी प्रियंका क्या लगती है? यानी कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसी के बारे में पूछा है, वो मेरी सहेली है, क्लासमेट थे, तो उसी समय से हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो इस वजह से वो मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम देवरानी जेठानी है, दीदी भुली है, लेकिन दीदी भुली कुछ नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड है, अच्छी बॉन्डिंग है, बाकी कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, इसी वीडियो में उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों के मन में कोई अच्छे अच्छे और क्वेश्चन हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।